Hi viewers, welcome to Homework Online Classroom. আবার সবাইকে হোমওয়ার্ক অনলাইন ক্লাসরুমে স্বাগত জানাই। এসো আমরা দেখি ক্লাস 2 এর দ্বিতীয় শ্রেণীর একটা মজার ভিডিও। এখানে আমরা বাতাস সম্বন্ধে জানব, বাতাসের রং কেমন, বাতাসের স্বাদ কেমন, বাতাস কি কাজ করে আমাদের, বাতাসের সাহায্যে আমরা কি কি কাজ করতে পারি, এই সমস্ত বিষয়গুলো আজকে সুন্দর কার্টুন ভিডিওর মাধ্যমে আমরা জেনে নেব। শেষ অবধি আমরা যদি ভিডিওটা দেখি তাহলে আমাদের কিন্তু অনেকখানি পড়াটা সুবিধা হবে। তো চলো তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আমিও লক্ষ্য করি ভিডিওটা। वैभव और उसके माता पिता कसौली में छुट्टी मनाकर दो दिनों बाद अपने घर वापस आ रहे हैं। रास्ते में वो पानी की बोतल खरीदने के लिए किराने की एक दुकान पर रुके। परिचय। वैभव और उसके माता पिता कसौली में छुट्टी मनाकर दो दिनों बाद अपने घर वापस आ रहे हैं। रास्ते में वो पानी की बोतल खरीदने के लिए किराने की एक दुकान पर रुके। वैभव कार में ही रुक गया। उसके पिता ने उसे सलाह दी कि वह खिड़कियां चढ़ा ले। कुछ देर बाद वैभव को सांस की कमी और घुटन महसूस होने लगी। उसने ताजी हवा को अंदर आने देने के लिए कार का शीशा तत्काल नीचे सरका दिया। দেখলাম যে বাতাসের সাহায্যে আমরা অক্সিজেন, বাতাসের সাহায্যে আমরা কি করি নিঃশ্বাস নিই। তাহলে এখানে কাচে গাড়ির কাঁচটা লাগিয়ে দেওয়াতে কি হয়েছিল, বৈভবের নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হয়েছিল। চলো দেখি তারপরে। इस पाठ में आप वायु और उसकी उपयोगिता के बारे में सीखेंगे। এবারে আমরা বায়ুর ব্যবহারটা দেখব। वायु की विशेषता बताना। सभी सजीव प्राणियों के लिए वायु का महत्व बताना। वायु के उपयोग को बताना। তাহলে এবার আমরা কি শিখব, বায়ুর গুণাবলী, মানে বায়ুতে কি কি গুণ থাকবে এবং বায়ু সমস্ত জীবেদের কাছে কতটা গুরুত্বপূর্ণ, বায়ু দিয়ে আমরা কি কি জিনিস বানাতে পারবো এবার আমরা দেখব। চলো सभी सजीव प्राणी वायु को सांस के रूप में अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं, लेकिन हम इसे देख नहीं सकते। हम देखते महसूस कर सकते हैं। वायु में कोई रंग, स्वाद या गंध नहीं होती। जैसे किंतु प्रश्न पर वो होता है। हवा से भरा एक गुब्बारा लीजिए और इसका वजन कीजिए। अब हवा निकालकर गुब्बारे को पिचका लीजिए। फिर से इसका वजन कीजिए। आपने क्या पाया? गुब्बारे में तब ज्यादा वजन था जब इसमें हवा भरी थी। इससे प्रमाणित होता है कि वायु में भार होता है। वायु स्थान घेरती है। एक गुब्बारा लीजिए और इसमें हवा भरिए। गुब्बारे का आकार बढ़ जाता है। अब गुब्बारे में एक पिंच मार दीजिए। आप क्या देखते हैं? गुब्बारे के अंदर की हवा छेद से बाहर निकलती है। गुब्बारा चपटा हो जाता है। इससे प्रमाणित होता है कि वायु स्थान घेरती है। তাহলে আমরা দুটো পরীক্ষা করলাম। এখানে বাতাসের ওজন আছে বা বাতাসের একটা ভর আছে, এটা কি করে প্রমাণ করলাম? একটা বেলুনের ভিতরে আমরা কি করলাম, বাতাস দিয়ে তাকে ওজন করলাম, তাহলে সেটাকে দেখা গেল 10 গ্রাম হলো। আর তারপরে বাতাসটা বের করে নিয়ে আমরা ওজন করলাম, দেখলাম 5 গ্রাম হলো। তাহলে এতক্ষণ ওজনটা বাড়লো কেন? বাতাসের বেলুনের ভিতর যে বাতাস ছিল সেই বাতাসটা কোথায় যাবে? সেই বাতাসটার ওজন 5 গ্রাম ছিল। আরও একটা পরীক্ষা আমরা দেখলাম, বাতাস কিছুটা স্থান দখল করে। যখন বেলুনের ভিতর বাতাস ছিল না তখন সেটা চুপসে ছিল, যখন ওর মধ্যে বাতাস দিলাম ওর ভেতরে বেলুনটা গিয়ে
জায়গা দখল করতে লাগলো, একটা বেলুন আর একটা বেলুন কণাকে, বেলুন একটা বেলুনের ভেতরে বায়ুর কণা আর একটা বায়ুর কণাকে ঠেলতে শুরু করলো এবং বেলুনটা ফুলে উঠলো। তাহলে এই দুটো পরীক্ষায় আমরা পেলাম যে বাতাস কিছু স্থান দখল করে, বাতাসের স্থান বাতাসের কোনো স্বাদ গন্ধ নেই, রঙও নেই, আর বাতাসের ওজন বা ভর আছে। চলো দেখি পরেরটা। वायु का महत्व। वायु मनुष्यों को ऑक्सीजन प्रदान करती है, मनुष्य ऑक्सीजन दे आधार देती है। पादप अपना भोजन बनाने के लिए वायु से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। जंतु के अस्तित्व के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। वायु का उपयोग। चलती हुई वायु को हवा कहते हैं। हवा का के बोले ना, बातर जगन चोले बेराई देती है जिससे वर्षा होती है। हवा नाव और ग्लाइडरों को चलाने में सहायता करती है। हवा की शक्ति का प्रयोग विद्युत उत्पादन में किया जाता है। हवा की शक्ति का प्रयोग जल भरण में भी किया जाता है। हमने क्या चर्चा की सीख लो हमने ताले। वायु में कोई रंग स्वाद या गंध नहीं होती। रंग स्वाद गंध नहीं होता सिर। वायु में भार होता है। किसी स्थान नहीं और ओजन आते। वायु सभी प्राणियों के अस्तित्व के लिए जरूरी है। प्राणी रा वायु छाड़ा बांझ बे ना। गतिशील वायु को हवा कहते हैं। वायु जखन चले बेरा तखन हवा होय जाय। शक्ति का प्रयोग विद्युत उत्पादन और जल भरण के लिए किया जाता है। जल जल भर्ति करा एवं विद्युत उत्पादन में सहाय्य करे। তাহলে এই ভিডিও থেকে আমরা অনেক মূল্যবান শিক্ষা পেলাম, ঠিক আছে? কেমন লাগছে তোমাদের ভিডিওটা? ভালো লাগলে একটা লাইক করে দিও, চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকন বাজিয়ে রাখো। আজকের মতো এখানেই, বাই বাই।